हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टमी टूल विद एंटरटेनमेंट। वी आर हियर टू मेक अ पंजाबी डिश। इट्स अ पंजाबी स्टाइल बैंगन का भरता, एग प्लांट भरता, ब्रिंजल भरता, आप कुछ भी इसे कह सकते हैं। ये हमारे लिटिल शेफ साथ में रेडी है भरता बनाने के लिए। आप इसे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, दाल चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। आप इसे जब सर्व करेंगे इसकी खुशबू से आप रुक नहीं पाएंगे। आप इसे पराठे में बटर डाल के खाइए। सी इज टेस्टिंग इट, हाउज इट? नाइस, यू लाइक्ड इट? कम फ्रेंड्स, लेट्स नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस बैंगन का भरता। हमने यहाँ एक बड़ा बैंगन लिया है जिसे हमने अच्छे से भून लिया है गैस पे। ये आप नीचे देखेंगे, ये पानी नहीं है, ये बैंगन अपना ऑयल छोड़ रहा है। हमें इसे वॉश नहीं करना है बैंगन को। जब हम इसकी काले काले पील्स निकालते हैं, कोई कोई लोग इसे वॉश कर देते हैं। अगर आप इसे वॉश कर देंगे तो इसके सब न्यूट्रिएंट्स सब उड़ जाएंगे, धुल जाएंगे। ये देखिए, ये सब ऑयल हम सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा बैंगन, 4 से 5 टमाटर, 2 बड़े प्याज, 3 से 4 हरी मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया गार्निशिंग के लिए, और तेल आप बहुत मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, 1 or 2 टीस्पून, बिकॉज यहाँ भरता अपना ऑयल छोड़ रहा है। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए, हम उसमें डालेंगे 1 to 2 टीस्पून ऑफ ऑयल, क्योंकि भरते ने ऑयल छोड़ा हुआ है, हम ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। यहाँ ऑयल को गर्म होने देंगे। हमारा तेल यहाँ गर्म हो चुका है। अब हम इसमें हमारे जो अनियंस हमने काटे हैं वो ऐड कर देंगे। इन्हें हम हल्का ब्राउन होने देंगे, गोल्डन ब्राउन। भरता बहुत अलग अलग तरीके से बनता है। आज यहाँ हम बना रहे हैं पंजाबी स्टाइल भरता। जब तक हमारे अनियंस ब्राउन हो रहे हैं, हम हमारे टमाटर को कट कर लेते हैं। हमारे अनियंस हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए, हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा कच्चा कच्चा रखना है। अब हम यहाँ पे हमारे टमाटोज ऐड करेंगे। हमने इसे रफली चॉप कर लिया है। हमारे टमाटर हमने डाल दिए हैं प्याज में। प्याज हल्के हल्के ब्राउन हमने कर लिए हैं। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। टमाटर्स को हमने रफली चॉप किया है। अब टमाटर्स को गलाने के लिए हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। आप नमक स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं, इससे टमाटर आपके गल भी जाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें हमारी ग्रीन चिलीज डाल देंगे। अब हम टमाटर को अच्छे से गलने देंगे। बीच में आप चलाते जाइए। दिस स्मॉल शेफ इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प मम्मा। हाय, what are you making? I'm making beans and sabzi for mom and papa. Oh Riva, and Tegvir will eat it? Yes, and we'll do and we can make. Oh, chalo, let's the tomato cook. Don't give 1 minute. हमारे टमाटर यहाँ अच्छे से पक चुके हैं। I will do it. अब हम इसमें हमारा चिली पाउडर डालेंगे। हमने पहले ही ग्रीन चिली डाली है, तो आप चिली पाउडर देख के डालिएगा। हमने यहाँ 1/2 टीस्पून चिली पाउडर डाला है। अब इसे हिला लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से तेल छोड़ना शुरू कर दिया इसने। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे ब्रिंजल। कम हम इसमें हमारी ये जो ब्रिंजल की डंडी है, ये भी डालना पसंद करते हैं। आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डालिए। हमने ब्रिंजल के ऑयल के साथ ब्रिंजल को डाल दिया है।
अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे, साथ साथ में थोड़ा सा मैश भी करते जाएंगे। This little chef always wants to do something. I want to do something. Okay, my chef. I want to do something. Come. Learn. See, this is brinjal. Yes. Now it will cook for at least 5 to 10 minutes, and then we will garnish it with coriander. Coriander. We can serve it with hot parathas. Yeah. अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए हमारे भरते ने साइड से ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब ये 80% कुक हो चुका है। इसमें हम हमारे फ्रोजन पीस डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप ना मत डालिए। बस इसे हम लगभग 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए हमारी सब्जी ने अच्छे तरीके से ऑयल छोड़ दिया है। मटर जो हमने डाले थे वो भी पक गए। अब हम इसमें डालेंगे हमारा कोरिएंडर और इसे अच्छे से हिला लेंगे और गैस बंद कर देंगे। कोरिएंडर डाल के हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी एकदम बन के तैयार है। आइए इसे सर्व करते हैं। इसकी जो स्मेल और महक आ रही है, इट्स रियली माइंड ब्लोइंग एंड डिलीशियस। आप रुक नहीं पाएंगे। ये देखिए हमारा बैंगन का भरता पंजाबी स्टाइल इज रेडी। इसे ट्राई कीजिए और ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।